दिस इज विनय सिंह फ्रॉम विश एकेडमी डॉट कॉम एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एंगुलर जेएस के एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस का यूज एप्लीकेशन डेटा को HTML से बाइंड करने के लिए किया जाता है, जिस तरह हम ng bind का यूज करते थे ठीक उसी तरह। चलिए देखते हैं किस तरह से प्रैक्टिकली। यहाँ पर है हमारे पास ब्राउजर जिसमें हमारे एंगुलर जेएस की HTML फाइल ओपन है एंड ये रहा इसका कोड। सो सोर्स कोड में ड्यू के अंदर मैंने यहाँ पर लिखा है ng app, मतलब आपकी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ से इनिशियलाइज हो रही है। सो इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखूँगा एक्सप्रेशन। सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेशन। सो किस तरह से एक्सप्रेशन इंसर्ट किए जाते हैं एंगुलर जेएस में, आपको डबल कर्ली ब्रैकेट्स का सेट लगाना होता है इस तरह से, देन इनके बीच में आप यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो किस तरह से लिख सकते हैं, वेल आपको केवल यहाँ पर जनरली टाइप करना होता है आपके डेटा टाइप के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ कि अगर आपको नंबर टाइप करना हो तो कैसे करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे जनरली लाइक टू या एट, सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पर लिखा आ रहा है एट, ठीक है। इसी तरह अगर आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करके दिखाना है तो 8 + 9 = 17 हो गया, ओके। इसी तरह से इंटू 5 एंड -3 समथिंग लाइक दैट रैंडमली मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। सो ये इसका आंसर आ गया 50। इस तरह से आप एक्सप्रेशंस में मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं एंगुलर जेएस के थ्रू। अब बात करते हैं स्ट्रिंग की। सो स्ट्रिंग में आपको सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह कोटेशन में लिखना होता है लाइक सेव एंड रिफ्रेश। यहाँ पर स्ट्रिंग आ चुकी है, ठीक है। इसी तरह आप ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं। कैसे, सबसे पहले हम लोग ng init में एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे। सो मैं ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ यहाँ पर लाइक पर्सन इक्वल टू ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है। देन फर्स्ट नेम इज स्ट्रिंग वैल्यू होगी फर्स्ट नेम तो जॉन कॉमा लास्ट नेम, देन अगेन स्ट्रिंग वैल्यू होगी लास्ट नेम तो सिंगल कोटेशन में दो, ओके। आपको यहाँ पर ब्रैकेट्स का एंड कोटेशन मार्क का सिंगल कोटेशन कहाँ लगाना है, डबल कोटेशन कहाँ लगाना है, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अगर आप कहीं पर भी सिंबॉलिक मिस्टेक करते हैं तो आप एरर फेस कर सकते हैं। सो यहाँ पर पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, ओके, पर्सन जो ऑब्जेक्ट का नाम है फर्स्ट नेम की है प्लस स्पेस प्लस पर्सन डॉट लास्ट नेम, ओके, सेव एंड रिफ्रेश। जॉन डो, इसी तरह आप अरेज का यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के बजाय लाइक यहाँ पर मैं एक अरे इंसर्ट कर रहा हूँ फ्रूट्स इक्वल टू देन ये हो गया अरे, अरे के अंदर वैल्यू मैंगो बनाना ऑरेंज, ठीक है, इतना काफी है। सो एक्सप्रेशंस में आप लिखेंगे यहाँ पर फ्रूट्स एंड जिस भी की को आप यूज करना चाहते हैं लाइक बनाना प्रिंट करना है तो वन सेव एंड रिफ्रेश एंड इट इज बनाना हियर, ओके। इसी तरह आप वेरिएबल्स का यूज भी कर सकते हैं लाइक विड्थ इक्वल टू 35 देन सेमीकॉलन एंड हाइट इक्वल टू 50। सो आप यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखेंगे विड्थ इंटू हाइट सेव एंड रिफ्रेश, सो इट्स 1750, ओके। सो इस तरह आप एक्सप्रेशंस का यूज़ कर सकते हैं एंगुलर जेएस में एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये एंड काफ़ी सिंपल भी है। सो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तब तक मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। Please don't forget to like the video, subscribe the channel and stay tuned. This is Vinay Singh from wishacademy.com. See you next video. Tata, bye bye.